अली जफर ने हद पार करना चाही। लीना गनी मैदान में दोस्त के साथ दस दराजी हुई। लेक्चरर माहम जावेद का दावा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमना रजा ने भी जबान खोल दी। बेटी के साथ हूँ, मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद भी सामने आ गई। मसला ना उठाया तो हरासा करने वाले पैदा होते रहेंगे। माहिरा खान का ट्वीट, अली जफर के साथ 20 साल से काम कर रहे हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। रेशम की हिमायत। अस्पतालों में भी समझे कि इतनी लोड शेडिंग है कि ना हम एक्सरे करवा सकते हैं, ना हम कोई टेस्ट करवा सकते हैं बच्चों के। इलेक्ट्रिक वाले कम कर दें ताकि भाई तुम भी सुकून से रहो, तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दे। अब सबके मुंह से बद्दुआ निकलती है। बद्दुआएं ना लो, बिजली दो। मरीजों की पुकार। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कराची के अस्पतालों में भी लोड शेडिंग। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में 9-9 घंटे बत्ती गायब। ऑपरेशन मुलतवी होना मामूल बन गया। जस्टिस पाकिस्तान साहब, खुदा के वास्ते इसके इलेक्ट्रिक पे भी 100 मोटर एक्शन ले। ये चाइनीज कंपनी को ये नहीं बिकनी चाहिए वरना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सारा सारी तबाही बर्बादी से लिए हो रही है कि ये बेच कर जाना चाहते हैं। कराची की बिजली का कंट्रोल 5 कंपनीज के पास होना चाहिए, 5। के इलेक्ट्रिक नाहल, कराची में बिजली का मस्नूई बहरान पैदा किया गया। मुस्तफा कमाल का धरने के शुरका से खिताब। अगले हफ्ते सुई सदरन गैस ऑफिस पर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। इनके दिल में खटकता है कि ये कराची की इंडस्ट्री क्यों चल रही है। इस्लामाबाद में बैठ के बातें करते हैं, यू डोंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ द सिटी। उन्होंने कहा कि जी वो FIA वालों ने हमें कहा है कि गैस नहीं दो ना तुम्हें अंदर कर देंगे, मुझे हमें जेल नहीं जाना। FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है कराची के लोगों को बिजली से तरसाने। लोड शेडिंग नामंजूर। विफाक पर साजिश के तहत सनअतें तबाह करने का इल्जाम। के इलेक्ट्रिक हवाले करें, देखते हैं कैसे काम नहीं होता। वजीर आला सिंध का लहजा सख्त हो गया। CCI इजलास से वॉकआउट का ऐलान। कराची वालों की लोड शेडिंग से जान छुटना मुश्किल। विफाक का मुआहिदे के बगैर के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देने से इनकार। वाजिबात अदा करने पर जोर। वजीरे तबनाई ओवैस लगारी का मुराद अली शाह को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा। मुराद अली शाह साहब को चाहिए कि वो अपने सूबे की पुलिस को एक्टिवेट करें। हैदराबाद और सखर रीजन के गरीब आवाम बिजली चोरी करने वालों की वजह से मीटर रखने वालों के ऊपर जो अजाब आया हुआ है और बिजली कम आ रही है उसको तो शाह साहब पहले हैंडल करें। इमरान खान असल मसाइल से लाइल्म। कप्तान को वजीर आजम बनने के लिए बहुत वक्त चाहिए। वसीम अख्तर की मेयर लाहौर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ लीडर करार। वजीर आला पंजाब से कराची के अस्पतालों की बेहतरी और पैकेज पर जल्द अमल दरामद की अपील। जाए अपनी चेयर पे चले जाए। निजामानी साहब आप हाउस की बेहरमती नहीं करें। आपका डांस बहुत अच्छा है, अभी बैठ जाएं। या जो आप चाह देखें, जो आप चाह रहे थे वो हो गया। सिंध असेंबली में जाली भर्तियों, पानी और बिजली ना होने पर शोर। ऑपोजिशन ने जोर दिखा दिया। सईद निजामानी ने बेंच पर खड़े होकर आगा सिराज दुरानी को कहानी सुना दी। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि उन इलाकों में पीने का पानी पहुंचना शुरू हो गया है तो मैं जरूर अपना धरना एहतजाज खत्म कर दूंगा। PSP रुकन सैफुद्दीन खालिद बोरिया बिस्तरा और चने लेकर सिंध असेंबली पहुंच गए। औरंगी टाउन को पानी की फराहमी के लिए जमीन पर लेट गए। अवाम मुंतखब रहनुमा के एहतजाज पर हैरान। सैफुद्दीन खालिद ने यहाँ का बुरा हाल किया हुआ है। जब से यहाँ का MPA बना, जब से एक दफा भी यहाँ पे चक्कर नहीं लगाया, कभी पानी के लिए काम नहीं किया। बस इलेक्शन करीब है इस वजह से ये कोई संजीदा नहीं है। अगर संजीदा होते तो पहले भी इलेक्शन हुए, 4-5 साल पहले, उससे पहले भी हुए, मगर पानी नहीं।
नवाज शरीफ और मरियम की 7 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की अपील मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में इजाफी दस्तावेजात पेश करने और डीजी नैब जाहिर शाह को गवाह बनाने की दरखास्त मंजूर। कुलसुम नवाज की लंदन के अस्पताल में रेडियोथेरेपी। वालिदा काफी कमजोर हो गई, सहारे के बगैर चलना भी मुमकिन नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट। हमने पार्टी को दिया, सवाल नहीं पैदा होता कि हमने दूसरी किसी को दिया। कामों के लिए हमें कुरान शरीफ को उठाना पड़ रहा है, कुछ तो ख्याल करें। ये एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है जहां पर औरतों की इज्जत की बात की जाती है। ये है औरतों की इज्जत। जमीर फरोशी के इल्जाम की तर्दीद। एमपीए नगीना खान, नसीम हयात और नरगिस अली ने कुरान पर हाथ रखकर तहरीक इंसाफ को वोट देने की कसम खा ली। सुने बगैर सजा क्यों सुनाई? 20 ने गद्दारी की तो 10 को क्यों निकाला? रहनुमाओं का इमरान खान से सवाल। एक दो नहीं, सेनेट इलेक्शन में अस्तबल बिक गए। क्या ऐवान बाला जायज है या नाजायज? सिराजुल हक ने सवाल उठा दिया। जमात इस्लामी ने निगरा वजीर आजम के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर और इशरत हुसैन के नाम खुर्शीद शाह को भिजवा दिए। परवेज खटक कठपुतली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिकॉर्ड करप्शन की। असफंद यार वली का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। सियासतदानों को बदउनवानी के मामले पर मनाजरे का चैलेंज। नवाज शरीफ की सजा से नहीं, लूटी दौलत वापस लाने से दिलचस्पी है। आज साबिक वजीर आजम गैर मुल्की आकाओं से बचाव की भीख मांग रहे हैं। शेख रशीद का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। परवेज मुशर्रफ भी नाब के रेडार में आ गए। आमदन से जायद असासे बनाने की इंक्वायरी। मोनिस इलाही, अलीम खान, अकरम दुरानी और जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ भी जांच पड़ताल। नून लीग और मुत्तहिदा एक कश्ती में सवार होने को तैयार। सीट एडजस्टमेंट का प्लान। आला सतह वफ्त एमक्यूएम के दोनों धड़ों से मुलाकात के लिए इतवार को कराची जाएगा। मीनारे पाकिस्तान पर पावर शो के लिए 2 लाख अफराद लाने का टारगेट। पीटीआई ने 29 अप्रैल के जलसे के लिए डीजे वली संस म्यूजिक को हायर कर लिया। गुजरावाला में इदारों से इजहार यकजहती के लिए किसानों की रैली। शुरका के पाक फौज और अदलिया जिंदाबाद के नारे। सर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अमारा से नहीं बनती। अमारत एक सिंबल होता है, एक ग्रेंजर होता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शख्सियात से बनती। इदारे इमारतों से नहीं शख्सियात से बनते हैं। वक्त आ गया अदलिया डिलीवर करे। मुकन्नना ने कानून को अपडेट नहीं किया। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब। 4 सद्दा में अस्पताल का मुआयना। अद्वियात की कमी का नोटिस, वजाहत तलब। आपके पास लैब है ना आला मायार की मशीन, टेस्ट कैसे होंगे? चीफ जस्टिस बरहम। पेशावर के पानी को पंजाब की लेबोरेटरी से चेक कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। रिश्तेदारों में तलाक पर झगड़े की सजा नन्नी परी को मिल गई। कराची की राबिया का खानदानी तनाजे पर ज्यादती के बाद कत्ल का इंकशाफ। मंगूपीर पुलिस ने मरकजी मुलजिम फकीर मोहम्मद को भी धर लिया। दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म। मुत्तहिदा के टारगेट किलर रईस मामा से तफ्तीश के लिए जीआईटी बन गए। सीटीडी, रेंजर्स, एफआईए समेत हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले शिमाली वजीरिस्तान के ताजरों से मुजाकरात कामयाब। पॉलिटिकल इंतजामिया दुकानदारों के नुकसान का अजाला करने को तैयार।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان پیکج کی منظوری دے دی، 300 سے زائد سستے بازار لگانے کا اعلان، دالیں، گھی، چینی، پھل اور سبزیاں کم قیمت پر دستیاب ہوں گی۔ برستی بوندیں، کڑکتی بجلی، سرمئی بادلوں نے گرمی کو بریک لگا دی، لاہور، پشاور سمیت کئی شہروں میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں کا راج، آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی، مری اور سبات میں برف باری، شہر اقتدار میں موسم خوشگوار۔ افغانستان میں پھر دھماکہ، جلال آباد میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 5 شہری ہلاک، 10 زخمی۔ صہیونی فوج کی بربریت، غزہ کی پٹی میں فائرنگ، 2 افراد شہید، درجنوں زخمی، نہتے فلسطینیوں نے پتنگوں کو ہتھیار بنا لیا۔ کو ایران نیوکلیئر ڈیل سبوتاج کرنے سے روکا جائے، معاہدے کے تحت ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنا ممکن ہے، 300 یورپی پارلیمنٹیرین کا امریکی کانگریس کو خط۔ سرفراز نواز کی کرکٹ بورڈ کو ریورس سوئنگ، دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے فواد عالم اور وہاب ریاض کو ڈراپ کرنا افسوسناک، انضمام کے نا تجربہ کار رشتے دار امام الحق کی شمولیت حیران کن قرار، نجم سیٹھی سے استعفے کا مطالبہ۔ فرینڈز ایسے ہیں کہ دل جا رہے کہ بار بار جائیں، جیسے کلوتھس وغیرہ ہو گئے، ڈریسنگز ہو گئے۔ چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام مائی کراچی نمائش کا آغاز، ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے سامان کی دھڑا دھڑ خریداری، پاک فوج، نیوی اور رینجرز کے سٹالز مرکز نگاہ۔ اسلام آباد میں چائنیز کلچرل سینٹر کی تیسری سالگرہ کا جشن، طائفے نے ثقافت کے رنگ بکھیر دیے، دیسی موسیقی کا بھی درکار۔ ویلکم بیک، آپ کو بتائیں کہ گلوکار علی ظفر کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، میشا شفیع کے بعد مزید 3 خواتین نے ہراساں کرنے کا الزام لگا دیا، لینا غنی کہتی ہیں علی ظفر نے کئی مرتبہ دوستی کی حدیں پار کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، لیکن لیکچرار مہم کا کہنا ہے کہ علی ظفر نے اس کی دوست سے دست درازی کی۔ گلوکار علی ظفر کا بینڈ بج گیا ہے، 3 اور خواتین نے می ٹو کا بورڈ اٹھا لیا ہے اور علی ظفر پر حدیں پار کرنے کا الزام لگا دیا، اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ نے بھی چکرا دیا ہے، بجلی کا بحران مزید شدید ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے خلاف بڑی ریلی نکالی، مصطفی کمال نے ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا دے دیا۔ کراچی میں ہے بجلی کا شدید بحران، ایسے میں عوام ہے پریشان، تو سیاسی رہنما بھی سڑکوں پر نکل آئے، جماعت اسلامی کی کہ الیکٹرک کے خلاف بڑی ریلی، ایسے میں مصطفی کمال نے ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا دیا، اگلے ہفتے سوئی صدر آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ دنیا نیوز میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔